आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईपीएल 2019 की सभी टीमों में किसके पास है सबसे खतरनाक टॉप 5 गेंदबाज। आइए जानते हैं किस टीम के पास है इस सीजन के सबसे बेहतर गेंदबाज। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट्स राइडर्स की टीम में लॉकी फर्ग्यूसन, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, कमलेश नगरकोटी एवं शिवम मावी जैसे गेंदबाज हैं, लेकिन इसमें शिवम मावी आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के टॉप 5 गेंदबाज की तीन विदेशी और जो भारतीय केंद्र शामिल हैं उसमें ट्रेट बॉल्ट, कैगी सुरावाड़ा, संदीप लामिछाने के साथ अमित मिश्रा, आवेश खान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम में 2019 के आईपीएल में गेंदबाज की जिम्मेदारी जयदेव उनादकड़, जोफ्रा आर्चर, धवल कुलकर्णी, ईस सोडी और वरुण आरोन के कंधों पर होगी। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम पिछले साल गेंदबाजी में काफ़ी मजबूत रही थी। इस साल मोहम्मद समी के जुड़ने के बाद टीम की गेंदबाज और भी तेज हो चुकी है। पंजाब की टीम में मुजीबर रहमत, एंड्रल टाइम, मोहम्मद सवी, अंकित राजपूत और रविचंद्र अश्विन जैसे बेहतरीन गेंदबाज शामिल हैं। सनराइजर हैदराबाद की टीम भी अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। इस आईपीएल में भी हैदराबाद के पास बिली स्टेनलेक, संदीप शर्मा, शहबाज नदीम, सिद्धार्थ और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में इस साल भी पिछले साल की तरह नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, टिम साउथी और युजवेंद्र चहल गेंदबाज की भूमिका में रहेंगे। इस साल ऑक्शन में अपने पुराने खिलाड़ी मोहित शर्मा को टीम में शामिल करने के बाद चेन्नई सुपर किंग टीम और भी खतरनाक हो चुकी है। इस साल मुख्य 5 गेंदबाजों की भूमिका में शार्दुल ठाकुर, इमरान ताहिर, मोहित शर्मा, हरभजन सिंह और लुंगी सानी होंगे। मुंबई इंडियंस ने पिछले साल मलिंगा को टीम से बाहर किया था, लेकिन इस ऑक्शन में उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने दिग्गज खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। इस तरह से 2019 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के पास मलिंगा सहित जसप्रीत बुमराह, मिचेल, एडम मिलने और जैसेन बेहरेनडॉर्फ जैसे खिलाड़ी रहेंगे। इनमें से किस टीम के पास सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।